वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये वीडियो एक महीना हो गया अगले क्या अगले महीने की 17 तारीख को पूरी जैसे धमाल था, है ना? फुल धमाल हुआ था, तो आज एक महीना पूरा हो गया। तो भाई केक आया है आप इनके लिए, दिख रहे क्या निकला है? केक आया है, शुक्रिया। अरे ये क्या बोलते हैं, बुके बुके है ना? और इसमें क्या है, टी-शर्ट। आपने दिखे नहीं गिफ्ट है, अच्छा ये वीडियो बनाते हैं इसके लिए। अरे आप इनके लिए टी-शर्ट सलवार पर आगे सलाह रची संजीव को मालूम है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे लोग कैसे बड़े हो जाते देखते देखते वो भी नहीं मालूम पड़ता है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो पूरा एक एक महीने का केक काटते, वैसे अभी एक एक महीने की मंगनी का भी केक काटेंगे। अरे बुके भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अरे मेरे चवड़ ने भेजा सरजिल ने, और बहुत से लोग पूछते हैं कि लव मैरिज है कि क्या अरेंज अरेंज मैरिज है, तो मैं बता दूं अरेंज मैरिज है। क्योंकि काफ़ी मतलब सरजिल घर पे बचपन से आता जाता था, मेरे आफ्रीन को उससे घर वाले पहले से ही देखते थे, तो उसकी खाला को उसके मामा लोगों सबको मेरे सरजिल बहुत पसंद, आफ्रीन बहुत पसंद थी। तो वो लोग ने रिश्ता भेजे थे, लेकिन मेरे देवर का इंतकाल हो गया था तो हम लोग कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे थे, है ना? बाद में फिर सब मेरे घर वाले को भी बताए, तो मेरे घर वाले को भी सबको पसंद था सरजिल, और माशाल्लाह दोनों की जोड़ी भी अच्छी थी, तो सब लोग राजी खुशी हो गए, है ना लाले? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ फिर बाद में ये क्या बोलते हैं, लव हो गया है ना, दोनों हमारे और दोनों के घर वाले के इजाजत से ही राजी खुशी हुआ है, तो ये पहले से लव मैरिज नहीं था, है ना? और मैंने मेरे बच्चों को बोल के रखी थी, अगर तुम लोग कोई भी लड़का पसंद है या कोई भी है तो घर पे बताना, छुपाने का नहीं, है ना? क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है, अपन बच्चों के साथ में दोस्त बन के ही रहेगा ना। लेकिन ये लोग ने रिश्ता भेजे थे और हम लोग को भी पसंद था, तो इसके लिए हम लोग ने हाँ बोल दिया, माशाल्लाह ये रिश्ता हो गया, है ना? हम लोग भी खुश, उसके घर वाले भी खुश, कालू चाचा भी खुश। और सरजिल हमारा कालू का ही दोस्त था, बचपन का दोस्त, अब मैं कालू उसका ससुरा बन गया। क्या बोल रहे हो, दोस्त ससुरा? हम लोग को उतने बोला था, अल्लाह खराब हो, मेरी मंगनी थोड़ी ना हो गई है, लड्डू माशाल्लाह एकदम खिल रहा है चेहरा, केक कैसे था? नया चश्मा चश्मा भाई, ये तो देखी था बालिका को तो अभी रात हो रही है, मतलब 12 बजे रात के, तो हमारे जो छोटे नवाब है सलमान, उसको ना रोस्ट फिर मेरे को अलग अलग लगता है, तो मैं वो कैप्चर नहीं कर पाती क्योंकि सुबह मतलब मुझे बहुत से घाई रहती है, तो अभी ना कल उसको साबुदाने के वड़े लेके जाने, तो अभी मैं ये सिंग भूज रही हूँ, और यहाँ पे मतलब मैं रात में पूरा बैटर रेडी करके रख दूँगी, फिर वो बाद में अच्छे से सेटल हो जाएगा 4-5 घंटे में, तो फिर मैं उसको सुबह 6 बजे बना के मतलब सेक के दे सकती हूँ। तो उतना तो कम साबुदाना है, तो मैंने यहाँ पर और भिगाई हूँ,
तो वो एक दो घंटे में भीग जाएगा, तो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी, मिर्ची वगैरह सब काट के रख दी हूँ। तो मिलते हैं सुबह। चम्मच हिल रही है, हिल रही है। गाइस हमारे स्कूल के टाइम पे भी ना, मतलब हमारे स्कूल के टाइम पे तो कैंटीन में जाओ जो खाना है खाओ, और मेरी दादी या नानी बना के देता तो वो लोग बना के देते थे, तो वही बनना वरना हम लोग चटनी और पाव खा देते, 5 रुपए का मिलता था। इतने बिजी रहते थे तो उनको नहीं होता था। और हम लोग चटनी पाव खाते थे, एक नंबर मिलती थी संजय की चटनी पाव, इतनी अच्छी लगती थी ना। वी आर लाइक, पर मैं 5th से मैरी मैग्रेट में चले गई थी, 5th। हाँ तो तुम्हारा वहाँ पर नज़दीक था ना हमारा घर, फिर हम शिफ्ट हो गए बोरीवली में, फिर बोरीवली से वेस्ट में जाना आना बहुत लंबा पड़ता था, और सेंट जेम्स स्कूल हमारे घर के 5-2 मिनट ही चलना पड़ता था ना। नहीं, 5 मिनट यार, सॉरी 2 मिनट का रास्ता था। तो अभी दीदी अल्लाह में कोई चिकी आ रही, अल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं गाइस। मेरी बहन अभी 2 साल में जाने वाली है, उसके बाद मुझे ही काम करना है, तो जब तक अपनी बहन का माता फोड़ के खुद का बैठ जाएगी, लेकिन एक काम नहीं होगा। वो दिन का इंतजार कर रही हूँ गाइस, ऐसी बात नहीं, मैं काम करती हूँ ठीक है ना, जब मेरा मूड करता है ना, मूड करता है ना तब मैं करती हूँ ठीक है ना, और मेरा मूड नहीं करता ना तो मुझे काम करने का मन ही नहीं करता। इसका मूड मतलब कभी नहीं होता है। ऐसे ऐसे जंगली लोग गाइस, आज ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग की शादी को 1 मंथ कम्प्लीट होगा, 1 मंथ कम्प्लीट हुए। हाँ तो गाइज आज 1 मंथ कम्प्लीट है गाइज, फॉलो करो सब्सक्राइब करो गाइज। हमारे जीजू माशाल्लाह बहुत अच्छे और हमारे साथ एकदम फ्लाइंग, अगर दूसरे फ्लाइंग की रहती है और मैं वो फ्रैंकली, क्योंकि पहले से वो अपने घर पे आते नहीं, बट वैसा भी अगर दूसरा कोई रह जाता बता रहे क्या इससे मस्ती करना, ये कौन है, मैं मेरी औरत से मतलब रहता हूँ, ये पागल है। खाना बनाने वाली चाहिए तो मेरे पास है, बट नहीं ये बस हमारे पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं जाएगी। गाइस हम लोग सोचे थे चैलेंज वीडियो का, बट उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, नहीं बनाएगा, क्योंकि गाइस घर में काम वगैरह रहता है ना इसलिए, क्योंकि अभी देखो कोई भी नहीं हमारा व्लॉग शूट करने के, और हम लोग सामने सामने कैसे करें, और 2 जन में थोड़ी ना होगा है ना, दू हो सकता है अगर मारा मारी का हुआ तो। गाइस हम लोग ने रील्स पे इंस्टा पे ना डाले, इंस्टा पे डांस वीडियो डाले, वो थोड़ी भी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि उसमें स्टेप ही नहीं बैठ रहा था, बैठ रहा था बट हम लोग आगे पे नहीं बैठ रहा था, सूफी का दिमाग उल्टा है ना, 7वें 8वें महीने में पैदा हुई है ना, 7वें ये सब स्टोरी वगैरह बताएंगे ये लोग। अरे वाह गाइस देखो आप लोग सब्सक्राइबर लोग को कुछ बताना ही नहीं चाहती है। नहीं गाइस आप लोग ना ये व्लॉग के कमेंट में ना सब क्वेश्चन पूछना, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट व्लॉग क्वेश्चन का बनाएंगे बस, लेकिन ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं पूछना, वरना हम तो वो क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। गाइस हम लोग को फट से आप लोग इंस्टा पे हमें मतलब इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, वैसे हमारे यूट्यूब पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ही जा रहे हैं, बट और सपोर्ट की ज़रूरत है ना दीदी। गाइस फट जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग के वजह से हम लोग इतने सारे मतलब व्लॉग्स बनाते हैं ऐसे, मतलब अच्छा भी आप लोग को भी कोई ऐसी चीज़ें देखने मिल जाती है, कोई नई चीज़ है या फिर ऐसे मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता है ना, वही बोलते ना दीदी। हाँ सही बोली मैंने, भी जबर नहीं लग रहा है। नहीं गाइस ये ना जो नाम बोलती है ना वो नहीं बोलने का। हाँ बी ओ डबल बी डी ए
नॉट बुबड़ा बुबड़ा सो फिर पता है वो आहान बोलता है तेरे को बुबड़ा आहान गाइस कल हम लोग कॉलेज जाएंगे वो भी बताएंगे है ना दीदी हाँ गाइस शूट करने ही नहीं मिलता एक तो टीचर लोग ऐसे देखते स्टैंड अप फोन लेके खड़े हो जाते हैं अरे नॉट इन द क्लास मतलब क्लासरूम का कभी लेंगे सब अपने अपने हिसाब से रहते कोई कैसा बैठा रहता है मतलब अच्छी कॉलेज है डिसेंट कॉलेज है बट तुमको पता है वो कॉलेज है ना दीदी सो देखते हैं आगे क्या क्या होता है अभी वो सिंधाने का ऊपर का वो छिलका निकाल रहे दीदी उसके बाद देखते क्या होता कहीं हमारा न्यूज पैक्स मीन्स मेरा बोलो न्यूज पैक्स तेरा मेरा ही बोल रही हूँ बोलो ना क्या अच्छा हाँ गाइस देखो ये हमारे भाईजन ने भेजे है दीदी के लिए क्योंकि वन मंथ वो लोग का कंप्लीट हो गया है एंगेजमेंट का तो गाइस मेरी दीदी और भाईजन की जोड़ी ऐसी ही रहे और ऐसी वो लोग ऐसे साथ में रहे और भाईजन मुझे ऐसे ही पसंद करते रहे मतलब साली एज ए साली नॉट फिर वरना गलत कमेंट आएंगे बोलेंगे कैसी बात करते हो गाइस मैं और सरजिल भाईजन बहुत फ्रेंकली आप हम लोग की मस्ती देखोगे ना तो बोलोगे कि अरे ऐसी कोई मस्ती करता हमारी मस्ती बहुत हटके रहती है गाइस अभी 6:30 हो रहे हैं और मैंने सलमान के टिफिन वगैरह पैक कर दिया है क्योंकि मैं व्लॉग लेना ही भूल गई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरे लाइन से निकल गया था तो कोई नहीं अभी बाकी और तो मैंने यहाँ पे ये फ्राई कर दिए ये तो जो भी सलमान को खाने के लिए रखा है मैंने सलमान चाय वगैरह सब पी लिया हम लोग का मिक्सर ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे चटनी बनाना था उसके लिए तो वो भी नीचे वाले घर पर गए दूसरा मिक्सर लाने तो उसके आने तक मैंने ये पैक कर दिया फिर इसके अंदर जाएगी चटनी इधर और इधर मैंने पैक कर दिया आ गया मेरा भाई वो बोले कि चटनी इधर मैं बना ये मेरी चटनी बन गई है रेड कलर की तो मैंने उसको डाल दिया अभी सर मैंने खाया उसमें डाल देते हैं सब टिफिन विफिन दे के सब कुछ करके हो गया है और अब मैं जा रही हूँ सोने बल्कि अभी बज रहे 7 अब मैं सो गई और सीधा उठूँगी 10:30 बजे क्योंकि फिर मुझे मेरे कॉलेज जाना है अपनी चीज़ें करना है तो चलो सोने जाते फिर मिलते हैं सुबह हमारे दिन की शॉपिंग खत्म ही नहीं होती है और फिर छत पे बहुत ट्रैफिक हो रहा है हमने पहले सूर्यों से शॉपिंग सारे कपड़े और अभी जा रहे हैं हम लोग वॉच लेने क्योंकि मेरे को अम्मी ने बोला है कि वॉच लेके आने क्योंकि आसमान की जो हम लोग की लॉयर है मतलब एडवोकेट है वो तो उनके लिए कपड़े गिफ्ट ले रहे हैं क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है तो हम लोग वहाँ से लेंगे वॉच वगैरह फिर जाते घर पर और देखते क्या तो अभी हम लोग ने वॉच ले लिए है पैक हो रही है वॉच और ठीक आ रही है खिलौना बना दिया अंकल ने देख मार कर भी दे इसको है कुछ काम नहीं है गाइस उठे सीधे शॉपिंग के लिए लेके आ जाती है लगा टाइमिंग क्या हो रहा है चलो सबको पता ही है बता दो नहीं नजर लगी अच्छा है ना 150 का खाली थैली और सबसे बता इसके पास सोना था कि फ्लावर्स लेना है क्योंकि मुझे किसी को देना है फ्लावर्स हो गई है एक दिन में 10,000 सही शादी करो बहुत फायदे अरे तुम्हारी बात कर रही हूँ भाई मैं अपने पैसे से खरीद रही हूँ पैसे की बात है तो क्या बोली शादी करके बहुत फायदे मेरी शादी हुई नहीं शादी करो बहुत फायदे शादी नहीं हुई अरे मतलब अरे शादी हुई योर शॉपिंग में शादी हुई अंकल बोलते रहे क्या बकवास करेंगे लड़की तो वो
लंबा सा नाम। तो गाइस आज 18 है और आज सरजील की एंगेजमेंट हुई थी। मतलब हमारे 2 दिन ऐसे एंगेजमेंट थी, फर्स्ट डे मेरे वहाँ थी तो सेकंड डे। तो कल ना उसने मुझे फ्लावर्स गिफ्ट वगैरह भेजा था, तो सेम मैं वो करने वाली हूँ। मैंने लिया है फ्लावर्स और मैं पहली बार किसी को ऐसे दे रही हूँ, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। और इसके अंदर टी शर्ट्स है, 2 टी शर्ट है, ये फ्लावर, और अभी मैंने केक मंगाया, मतलब पेस्ट्री मंगाया क्योंकि मेरे पास बड़े केक लेने का टाइम नहीं था, तो वही छोटा केक, 2 पेस्ट्री। अभी मैं जाऊँगी नीचे, तो अगर मैं कैप्चर कर पाऊँ तो करूँगी, वरना तो फिर अगर मुझे शर्म आए तो मैं नहीं करूँगी। मैंने सरजील को गिफ्ट दे दिया है, और कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि मेरी जान मेरे पास इतना सारा सब लेके आई, तो एक एक्साइटमेंट था। बट वो झूठ बोल रही थी मेरे को, क्या देखो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, थोड़ा जल्दी आओ ना, ऐसा वैसा। तो इधर आए तो देखो ये सब बुके है, और ये मेरी मन पसंदीदार पेस्ट्री है, और एक सब में बड़ा तो गेम कर दिया उसने मेरे साथ। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गेम था, ये हम लोग देखे थे बट वो टाइम पे साइज नहीं थी, ये मेरा पसंद था वो तो लेके। और इसकी कहानी मत पूछो गाइस, ये खुद ने भी ली है, सब में बड़ी चीज। एंड थैंक यू जान, अल्लाह हाफिज। मैं घर पे आ चुकी हूँ और सरजील की अम्मी ने मेरे लिए और मेरी अम्मी के लिए, मतलब हम सबके लिए कुछ भेजा है। तो मैं बता रही हूँ, ये ना गोश्त की चिल्ली है, वाव लग रही है, और ये चावल की गरम गरम रोटी। सो मैं अभी निकाल के खाऊंगी। मैं उनको बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे गोश्त की चिल्ली खाना है, तो चलो खाते हैं। गोश्त की चिल्ली और रोटी ले लिया है, अभी मैं इसको जा रही हूँ खाने। सो लेट्स टेस्ट। सब लोगों ने ना चिकन चिल्ली बहुत खाई है, लेकिन मैं पहली बार गोश्त की चिल्ली खा रही हूँ, रेड वाली। वो ब्लैक वाली तो मिलती रहेगी शायद, पता नहीं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। सो लेट्स एंजॉय दिस, खा के देखते हैं। वाओ। तो यही पे कर रही हूँ मैं व्लॉग एंड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।